आज हम बात करने वाले हैं SBI आधार UPI के बारे में और NPCI की तरफ से क्या जवाब आया है ट्विटर के माध्यम से, वो भी मैं आपको बताने वाला हूँ। और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की तरफ से क्या जानकारी आया है ट्विटर के माध्यम से, ये भी आपको इस वीडियो में जानने को मिलेगा। और SBI में आधार UPI कब तक आ जाएगा, ये भी मैं आपको इस वीडियो में आपको जानकारी मिल जाएगा। और जिन दोस्तों को नहीं पता है आधार UPI क्या होता है, मैं बताना चाहता हूँ। जिसके पास डेबिट कार्ड नहीं है या ATM कार्ड नहीं है, वो UPI इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। लेकिन ये नया रूल के हिसाब से अगर उनके पास डेबिट कार्ड ATM कार्ड नहीं है, वो आधार कार्ड के जरिए वो UPI इस्तेमाल कर सकते हैं। सीधे शब्दों में कहें जो आधार कार्ड के द्वारा UPI इस्तेमाल किया जाए उसे ही आधार UPI कहते हैं। देखिए, जैसे कि आपको UPI इस्तेमाल करना है तो आपको डेबिट कार्ड का लास्ट का 6 डिजिट इंटर करके UPI पिन बना लेते हैं डेबिट कार्ड के माध्यम से। उसी तरह से यहाँ पे अगर आपको आधार कार्ड के माध्यम से UPI इस्तेमाल करना है तो उससे पहले आधार कार्ड के द्वारा आपको UPI पिन बनाना होगा। तो आधार कार्ड का लास्ट का 4 अंक इंटर करेंगे, इसके बाद आपके आधार से UPI पिन बन जाए तो आप आसानी से UPI को इस्तेमाल कर पाएंगे। तो चलिए खबर की ओर आगे बढ़ते हैं। तो NPCI का आप यहाँ पे ट्वीट देख सकते हैं। नमस्ते, हम आपसे इस संबंध में और सहायता के लिए अपने बैंक से संपर्क करने का अनुरोध करते हैं, धन्यवाद। तो इसका ट्वीट का कहने का ये मतलब है NPCI का जो भी काम था यहाँ तक समाप्त हो चुका है। इसके बाद यहाँ पे मैंने स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को ट्वीट किया, एक बार नहीं बहुत बार मैंने ट्वीट किया, लेकिन स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की तरफ से कोई भी रिप्लाई, कोई भी जवाब हमें प्राप्त नहीं हुआ। शायद मुझे ऐसा लगता है कि अब NPCI का कोई भी डेडलाइन नहीं आएगा, कोई भी खबर नहीं आएगा, तो आपको ये बैंक के द्वारा ही सूचित किया जाएगा, चाहे ट्विटर के माध्यम से हो चाहे किसी और माध्यम से, लेकिन आपको बैंक के द्वारा ही अब आपको इन्फॉर्मेशन मिले। तो हम यही कहेंगे, आप पेशेंस रखिए, धैर्य बनाए रखिए, आप बैंक के ऊपर निर्भर है, बैंक के हाथ में है कब वो फीचर ये इनेबल करता है। आपको जब भी ये आधार UPI वाला फीचर लॉन्च होगा तब यह आपको मिल जाएगा। तो इस वीडियो को बनाने का बस यही मकसद था, आप लोगों का जो सवाल आ रहा था उसका मैंने आपको जवाब देने का प्रयास किया है। ये NPCI के अब हाथों में नहीं है, ये बैंक के ऊपर निर्भर करता है, अब बैंक अपने तरीके से ये UPI आधार UPI वाला फीचर लॉन्च करेगा। तो जब आएगा तो मैं आपको एक पूरी वीडियो बना के दूंगा, तब तक के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और बेल आइकन को भी दबा सकते हैं ताकि ऐसे ही आपको जानकारी मिलता रहे।